Today we learn D letter. How to write D letter? We start, touch third line, go up, come back, touch again third line, go up, touch first line, again come back, touch third line. ये आपको पेंसिल उठाना है और लाइन को टच करके लिखना है। फिर से देखिए स्टूडेंट, ये थर्ड लाइन को टच करके ऊपर जाना है। देखिए जैसे आपने ए लेटर लिखा और सी लिखा, उसी तरह से ए आपको बी लेटर लिखना है। इधर देखिए, फिर से वापस ये हो गया सी लेटर, आपने सी लेटर लिखा है, इसी तरह से आपको ऊपर जाना है। ये लाइन को यही से टच करके ऊपर लाइन को टच करना। देखिए फिर से यही लाइन से आपको वापस यहाँ पे आना है और टच करना है। ये थर्ड लाइन टच करना है, टेढ़ी लाइन नहीं लेना, इसको सीधी लाइन से करना है, थोड़ा से ऊपर टच करना है। फिर से देखिए, थर्ड लाइन टच, आधा राउंड ऊपर, फर्स्ट लाइन टच, से वापस थर्ड लाइन टच, पूरा ऊपर। इस तरह से आपको डी लेटर लिखना है, डी फॉर डॉल, डी फॉर डॉल। फिर से आप देखिए, डी फॉर डॉल, मेरे साथ रीडिंग कीजिए, डी फॉर डॉल, डी फॉर डॉल, डी फॉर डॉल, डी फॉर डॉल। इस तरह से ये आपको सेकंड लाइन में लिखना है। उसी तरह से पेंसिल को नहीं उठाना और लाइन टच करके लिखना है। हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होना चाहिए, पेंसिल को पकड़ते ही रखना, तब तक आपका लेटर कंप्लीट नहीं हो जाता। पूरा लेटर लिख के होने के बाद ही आपको पेंसिल उठाना है और इस तरह से वन पेज कंप्लीट करना है। दूसरे पेज पे होमवर्क सेम लिखना है, इसी तरह से सेम होमवर्क आपको नेक्स्ट पेज पे लिखना है। Understand, students?